नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया और मैं हूं आपके साथ अर्चना गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ जो कि लखनऊ से आ रही है। कानून व्यवस्था के खिलाफ कांग्रेस का आज प्रदर्शन होना है। अविनाश पांडे और अजय रॉय के नेतृत्व में ये प्रदर्शन होगा। बीजेपी सरकार के खिलाफ कांग्रेस का हल्ला बोल। प्रदर्शन में शामिल होंगे कांग्रेस के कई नेता और कार्यकर्ता और ये प्रदर्शन दोपहर 12 बजे शहीद स्मारक पर करते हुए नजर आएंगे कांग्रेस के कार्यकर्ता। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे दें कि प्रदर्शन में कांग्रेस के कई बड़े नेता और कार्यकर्ता भी शामिल होंगे और दोपहर 12 बजे शहीद स्मारक पर कांग्रेस के कार्यकर्ता प्रदर्शन करते हुए नजर आएंगे। लखनऊ से ये बड़ी जानकारी। कानून व्यवस्था के खिलाफ कांग्रेस का ये प्रदर्शन आज प्रदेश में देखने को मिलेगा। अविनाश पांडे और अजय रॉय के नेतृत्व में ये प्रदर्शन होगा और इस प्रदर्शन में बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस हल्ला बोल करती हुई नजर आएगी और इसी के साथ ही इस प्रदर्शन में कई कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता शामिल होंगे। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, ये जो प्रदर्शन होना है ये दोपहर 12 बजे प्रदर्शन होगा और शहीद स्मारक पर जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है वो प्रदर्शन करते हुए नजर आएंगे। लखनऊ से ये बड़ी जानकारी कानून व्यवस्था को लेकर, क्योंकि लगातार आप देख रहे होंगे कि कांग्रेस की ओर से कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं, प्रदेश में अपराध को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं और अब ऐसे में आज कांग्रेस बीजेपी सरकार के खिलाफ हल्ला बोल करती हुई नजर आएगी। प्रदर्शन में कांग्रेस के कई बड़े जो नेता हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वो शामिल होंगे और दोपहर 12 बजे शहीद स्मारक पर कांग्रेस के सभी नेता और कार्यकर्ता प्रदर्शन करते हुए नजर आएंगे। और हमारे साथ हमारे संवाददाता एसके वाजपेयी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। एसके, कांग्रेस का आज ये प्रदर्शन देखने को मिलेगा? बिल्कुल, निश्चित तौर पर यूपी कांग्रेस की तरफ से आज लखनऊ में शहीद पथ पर एक प्रदर्शन आयोजित किया गया है। इस प्रदर्शन में कांग्रेस उत्तर प्रदेश के विभिन्न मुद्दों को लेकर, खासतौर पर उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर प्रदर्शन करने वाली है, जिसमें उत्तर प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय, साथ ही साथ यूपी की प्रभारी अविनाश पांडे समेत बड़े पैमाने पर कांग्रेस के पदाधिकारी भाग ले रहे हैं और कहीं कहीं इसके जरिए से कांग्रेस माहौल बनाने की कोशिश करेगी, क्योंकि अब इस प्रदर्शन के जरिए कांग्रेस अपने आप को फील्ड पर दिखाना चाहती है और इसी के चलते कांग्रेस की तरफ से इस प्रदर्शन के जरिए कहीं न कहीं एक मैसेज अपने कार्यकर्ताओं को देने की कोशिश होगी कि अब उत्तर प्रदेश में अगर आगे बढ़ना है तो फील्ड पर उतरना है और इसके जरिए से माहौल भी बनाती हुई कांग्रेस नजर आएगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है और 2027 से पहले कांग्रेस लगातार अपने संगठन को मजबूत कर रही है और इस प्रदर्शन के जरिए कहीं ना कहीं बहुत सारे ऐसे मुद्दे जिनको एजेंडा बनाने की कोशिश कांग्रेस कर रही है उन मुद्दों को उठाती हुई नजर आएगी। क्योंकि ऐसे हमने बीते दिनों ही देखा था कि किस प्रकार से एक बड़ी बैठक की गई थी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से कानून व्यवस्था को लेकर और लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि प्रदेश में कानून व्यवस्था सुधरी है, बेहतर हुई है। ऐसे में कांग्रेस कानून व्यवस्था को लेकर ये प्रदर्शन कर रही है? बिल्कुल, निश्चित तौर पर कांग्रेस बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिसमें अलग अलग जो जिलों से कई ऐसी घटनाएं आई हैं जिसको लेकर लगातार कहीं ना कहीं कांग्रेस पहले भी इन चीजों को उठाती रही है। हालांकि आज इस प्रदर्शन के जरिए उन मुद्दों को दोबारा से रेज करने की कोशिश कांग्रेस की तरफ से होगी, क्योंकि सीधे तौर पर ये अपने पार्टी कार्यकर्ताओं को एक मैसेज देने की कोशिश कांग्रेस की तरफ से है ताकि कार्यकर्ता जागृत हो और फील्ड पर उतरकर कहीं ना कहीं प्रदर्शन के जरिए सरकार को घेरने का काम करे, जिससे एक मैसेज जरूर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में जाए, क्योंकि 2024 में जिस तरीके से कांग्रेस ने अपनी एक सीट को बढ़ाते हुए 6 सीटों तक पहुंचाया है तो कहीं ना कहीं अब फील्ड के जरिए अपने कार्यकर्ताओं में नई जान फूंकने की कोशिश कांग्रेस की तरफ से की जा रही है। तो इसके ये समझा जाए कि जमीन पर कर कांग्रेस अपनी मौजूदगी को दिखाने की कोशिश करेगी आज? बिल्कुल, निश्चित तौर पर, क्योंकि काफी लंबे वक्त से कांग्रेस ने ऐसा जमीन स्तर पर उतर कर कोई भी प्रदर्शन नहीं किया है तो कहीं ना कहीं इसके जरिए से कांग्रेस की कोशिश जरूर होगी कि इस प्रदर्शन के जरिए कांग्रेस एक मैसेज दे अपने कार्यकर्ताओं को कि आप फील्ड पर उतरे, लोगों के बीच जाए, उनकी समस्याओं को उठाए और इसके जरिए से कांग्रेस पार्टी भी अपना माहौल बनाने की कोशिश करेगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए।